जंगल में एक तरफ मीनू चिड़िया का तरबूज का खेत था, तो उसकी देखा देखी में कालू कौवे ने भी जंगल में अपना तरबूज का खेत उगा लिया था। लेकिन फिर भी मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मेहनती थी, इसी वजह से ही मीनू चिड़िया के तरबूज अच्छे से बिक जाते थे, वहीं कालू कौवा मेहनत नहीं करता था, जिस कारण से उसके तरबूज बिकने का नाम नहीं लेते थे। अरे प्रिया कौवी, ना जाने ये मीनू चिड़िया ऐसा क्या करती है कि इसके तरबूज तो इतनी आसानी से बिक जाते हैं, जबकि हमारे तरबूज तो कोई खरीदने भी नहीं आता है। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, इस मीनू चिड़िया की वजह से तो कोई भी पक्षी हमारे तरबूज खरीदता ही नहीं है। अच्छा होता कि इस मीनू चिड़िया ने हमारे साथ तरबूज की खेती की ही ना होती, फिर तो पूरे जंगल में सिर्फ हमारे पास ही तरबूज होते और सभी पक्षी हमसे ही तरबूज खरीदते। हाँ प्रिया कौवी, और वैसे भी देखो तो जरा, बरसात के मौसम की वजह से हमारे तो कितने ज्यादा तरबूज लग गए हैं इस खेत में, और मीनू चिड़िया के भी खेत में काफी ज्यादा तरबूज लग गए हैं। उसके सारे तरबूज तो बिक जाएंगे, लेकिन हमारे तरबूज यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे, देखना। नहीं कालू, ऐसा नहीं हो सकता है। तरबूज के खराब होने से पहले ही हमें कुछ न कुछ करके इन तरबूजों को बेचना ही होगा। हाँ लेकिन प्रिया कौवी, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? हम लोग उस मीनू चिड़िया का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, फिर भला हम अपने तरबूज कैसे बेचेंगे। अब वे यही सोच रहे होते हैं कि जंगल में अचानक से बारिश काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बारिश अचानक से कितनी ज्यादा तेज हो गई है, कहीं इस बारिश के चलते हमारे खेत को कोई नुकसान ना हो जाए। कैलू, वैसे भी हमारे खेत को नुकसान ही तो हो रहा है, सारे तरबूज पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। हम एक काम करते हैं, हमारे जंगल का पुल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इस बात का मीनू चिड़िया को पता नहीं है। एक काम करते हैं, मीनू चिड़िया को जाकर कहते हैं कि तुम अपने तरबूज ठेले पर डालो और उस पुल के ऊपर ले जाओ, और उस पुल को पार करके दूसरे जंगल में अपने तरबूज बेचो। दूसरे जंगल में बिल्कुल भी तरबूज नहीं है, वहाँ पर काफी ज्यादा महंगे तरबूज बिक रहे हैं। हाँ लेकिन प्रिया कौवी, वो मीनू चिड़िया हमारी बात मानकर उस पुल पर क्यों जाएगी आखिरकार? क्योंकि हम उससे कहेंगे कि हम भी अभी थोड़ी देर पहले ही उस पुल पर से ही जाकर दूसरे जंगल में अपने तरबूज बेच कर आए हैं, फिर तो देखना वो जरूर जाएगी। और उसके जाते ही हम उस पुल पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर उस पुल को तोड़ देंगे, फिर देखना मीनू चिड़िया का पूरा ठेला और सारे तरबूज पानी में गिर कर डूब जाएंगे, फिर वो मीनू चिड़िया हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगी। अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो चलो, जल्दी से चलकर मीनू चिड़िया को पागल बनाते हैं। बस फिर यही सोचकर कालू कौवा और प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बारिश बढ़ने की वजह से अपने खेत में पानी न जमा हो इसलिए नाली बना रही होती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम मानोगी नहीं, हम लोग अभी अभी दूसरे जंगल में अपने तरबूज बेच कर आ रहे हैं। उस जंगल में तरबूज की बहुत कमी है, इस वजह से तरबूज काफी ज्यादा महंगे दामों में बिक रहे हैं वहाँ पर। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने ठेले पर अपने तरबूज रखकर उस पुल पर से दूसरे जंगल में तरबूज ले जाकर बेच दो, देखना कितना ज्यादा फायदा होगा तुम्हें फिर। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं जरूर जाती हूँ कालू कौवे। कालू कौवे, प्रिया कौवी, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये बात बताई। बस फिर ऐसा कहकर कालू कौवा और प्रिया कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अब कालू कौवा और प्रिया कौवी पुल के ऊपर दरख्त पर एक बड़ा पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कच्चे पुल पर मीनू चिड़िया अपने तरबूज का ठेला लेकर चढ़ती है, तो कालू कौवा दरख्त से वे बड़ा पत्थर पुल पर गिरा देता है, जिसके कारण पूरा पुल टूट कर गिर जाता है। अरे रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुम मेरे साथ ये करना चाह रहे थे, तभी तो तुमने मुझे इस कच्चे पुल पर भेजा, और तुमने ऊपर से इतना बड़ा पत्थर गिराकर वो पूरा पुल तोड़ दिया। देखो तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा नुकसान करना ही तो चाह रहा था। तुम्हारा नुकसान होगा तभी तो मेरा फायदा होगा, तुम्हारी वजह से मेरे तरबूज बिक नहीं रहे थे। अब देखना तुम्हारे पास तो थोड़े ही तरबूज बचे होंगे बस, लेकिन अब मैं अपने तरबूज अच्छे से बेचूंगा पूरे ही जंगल के पक्षियों को।
कालू कवे, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखना तुम्हारे साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। मैं तो अब तुम्हें अपने थोड़े से तरबूज भी अच्छे दामों में बेच कर दिखाऊंगी तुमसे। हाँ हाँ जाओ जाओ, बढ़िया ही मुझसे ज्यादा महंगे दामों में तरबूज बेच कर दिखाएगी। मैं भी देखता हूँ अब थोड़े से तरबूज से क्या करती हो तुम। बस अब मीनू चिड़िया निराश होकर वहाँ से अपने खेत की तरफ वापस चले जाती है। मीनू चिड़िया के खेत में अब कुछ ही तरबूज बचे होते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया अभी भी बिल्कुल परेशान नहीं होती और उनको बेचने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और प्रिया कौवी जब अपने खेत में आकर देखते हैं तो उनका तो पूरा खेत बारिश के पानी से भर चुका होता है। पूरे खेत के सारे तरबूज खराब हो चुके होते हैं। अरे बाप रे बाप प्रिया कौवी, ये देखो ये क्या हो गया है। ये तो पूरा पानी हमारे खेत में भर गया है। इसकी वजह से तो पूरा खेत का सारा तरबूज खराब हो गया है हमारा। हाँ कालू, जल्दी जल्दी में हम लोग तो इस बारिश से अपने खेत को बचाने के लिए खेत में नाली बनाना ही भूल गए थे, जिसकी वजह से ये सारा पानी हमारे खेत में ही जमा हो गया है। अरे हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और हमने जाकर देखा था, उस मीनू चिड़िया ने तो अपने खेत में नाली बना ली थी। इसका मतलब वे मीनू चिड़िया अभी भी हमसे आगे ही है। उस मीनू चिड़िया के खेत में कुछ तरबूज तो बचे होंगे, लेकिन हमारे तो सारे तरबूज ही खराब हो गए हैं। मीनू चिड़िया ने सही कहा था कि हमें हमारी गलती की वजह से इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। जैसा उसने कहा वैसा ही हमारे साथ हुआ। महाराज ने जंगल की चीलों पर जंगल में आने से रोक लगाई हुई थी, क्योंकि वे चीलें जंगल में शराब बेचने का काम किया करती थीं। बाजू चील, उस महाराज ने जब से हमें जंगल से निकाला है तब से तो वो महाराज यही सोचता होगा कि हमारे जंगल से निकलने के बाद हमने जंगल में शराब बेचना बंद कर दी है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि हम तो अभी भी छुपकर पूरे ही जंगल में अपनी शराब बेच रहे हैं। अब जिस भी पक्षी को शराब खरीदने आना होता है वो खुद ही यहाँ पर आ जाता है। अब तो हमें शराब बेचने जाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ जुचील, तुम सही कह रही हो। वैसे जब से ये हुआ है हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई है और किसी को पता भी नहीं है। वे चीलें यही बातें कर रही होती हैं कि जंगल का कालू कौवा उनकी ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये चीलें तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। महाराज ने इनको बाहर निकाला लेकिन फिर भी इन्होंने अपना ये शराब बेचने का काम बंद नहीं किया है। और तो और, अब तो इस काम में इनको और भी आसानी हो गई है। कोई भी पूछता नहीं है जंगल के बाहर तो इनको। एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ और महाराज को इस बारे में बताता हूँ। बस यही सोचकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वे चीलें कालू कौवे को जाते हुए देख लेती हैं। अरे देखो देखो बाजू चील, वो देखो जरा उस कौवे को, भाग गया यहाँ से। देखो जरा, मुझे तो लगता है कि उस कौवे ने हमारी सारी बातें सुन ली है और अब वे हमारी सारी बात जाकर महाराज को बता देगा। अरे तो फिर राजू चील, चलो जल्दी से चलकर उसे पकड़ते हैं और मार देते हैं उसे, इससे के पहले वो महाराज को जाकर बताए। अरे अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भूल गई हो, महाराज ने हमें जंगल में जाने से मना किया है। अगर किसी ने कौवे के पीछे हमें जंगल जाते हुए देख लिया तो फिर तो महाराज हमें जंगल में ही हमेशा के लिए कैद करवा देंगे और फिर हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी हमें अब इस कालू कौवे का कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि इसे हमारा राज पता चल गया है। हाँ लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है इस कालू कौवे को मारने का। देखो एक काम करते हैं, मैं इस कालू कौवे की पत्नी प्रिया कौवी का नकली मुखौटा बनाती हूँ और वह पहनकर जंगल में चली जाऊंगी और जंगल में घुसकर इसको मार दूंगी। अरे वाह वाह, इस तरह से तो प्रिया कौवी पे नाम आ जाएगा। महाराज समझेंगे कि प्रिया कौवी ने ही कालू कौवे को मारा है, हम पर तो बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा। हाँ तो फिर बस ठीक है, आज रात ही जाकर मैं उस कालू कौवे को मार दूंगी, फिर वो हमारा सच कभी भी नहीं बता पाएगा महाराज को। बस अब कुछ देर बाद जंगल में रात हो जाती है। रात को वे चील
प्रिया कवि का नकली मुखौटा पहनकर जंगल में घुस जाती है। अब जंगल में सन्नाटा देखकर वे चील जल्दी से कालू कवे के घर में घुस जाती है। घर में घुसते ही वे चील प्रिया कवि को एक बड़े पत्थर से बांधकर उस पत्थर को दूसरी तरफ घुमा देती है। अरे अरे भाई, तुम भला कौन हो? तुम तो बिल्कुल प्रिया कवि की तरह दिख रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ये सब क्यों कर रही हो तुम? कालू कवे, मैं चील हूँ। तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे, लेकिन हमने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। मुझे पता चल गया था कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अब तुम वे सारी बातें महाराज को बताओ, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और ये मैंने प्रिया कवि का नकली मुखौटा इसलिए पहना है ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, और अगर कोई पहचान भी ले तो तुम्हें मारने का सारा इल्जाम प्रिया कवि पर ही आएगा। अरे अरे चील, देखो तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मैं महाराज को कुछ भी नहीं बताऊंगा। छोड़ दो मुझे चील, छोड़ दो। फिर वे चील प्रिया कवि का नकली मुखौटा पहने हुए ही उस कालू कवे को एक चाकू से मार देती है। अब घर में ये सब कुछ होता हुआ कबूतर और मीनू चिड़िया छुपकर देख लेते हैं। देख लिया मीनू चिड़िया, ये देखो इस प्रिया कवि ने क्या किया। इसने तो बेचारे कालू कवे को मार दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कि ये प्रिया कवि भागे, मैं मिट्टू महाराज को जाकर इस बात की खबर करता हूँ, ताकि मिट्टू महाराज इसको पकड़ कर सजा दें। हाँ हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाओ जाओ, जल्दी से महाराज को जाकर यहाँ पर बुला कर लाओ। मैं जब तक इस पर नजर रखती हूँ यहीं पर ही। बस फिर कबूतर वहाँ से महाराज को बुलाने चला जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, भला ये प्रिया कवि अपने पति कालू कवे को क्यों मारेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये प्रिया कवि काफी ज्यादा मोटी मोटी सी क्यों लग रही है? बस अब वे चील कालू कवे को मारकर वहाँ से जाने लगती है। मीनू चिड़िया भी उसका पीछा करते हुए इसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब आखिरकार वे चील दूसरी चील के पास आकर प्रिया कवि का मुखौटा उतारती है तो सारा का सारा सच मीनू चिड़िया के सामने आ जाता है। अरे आजो चील, मैं कितना अच्छा काम करके आ रही हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। उस कालू कवे को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है। अब वो हमारी शराब बेचने वाली बात महाराज को बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा। अच्छा, इसका मतलब जंगल से बाहर निकालने के बाद भी ये चीलें हमारे जंगल में शराब बेच रही थी। जरूर ये बात कालू कवे ने सुन ली होगी, तभी इन चीलों ने उस कालू कवे को मारने के लिए ये सब किया। अब एक काम करती हूँ, यहाँ से छुप कर जाती हूँ और महाराज को सब कुछ बता देती हूँ। बस फिर उन चीलों से छुपते हुए मीनू चिड़िया महाराज के पास चली जाती है। अब महाराज के पास आकर मीनू चिड़िया महाराज को सारी बात बता देती है। महाराज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इन चीलों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अच्छा होता पहले ही मैं इनको सजा दे देता, लेकिन मैंने इनका ख्याल करके इनको जंगल से बाहर निकाला। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं सिपाहियों से कहकर इन चीलों को पकड़वा कर हमेशा के लिए ही गुफा में बंद करवा देता हूँ। बस फिर महाराज उन चीलों को पकड़कर हमेशा के लिए गुफा में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ समय बाद प्रिया कवि का अंडा हो जाता है और प्रिया कवि अपने अंडे के साथ खुश रहने लगती है। कालू कव्वा काफी ज्यादा अमीर था, लेकिन अमीर होने के साथ साथ कालू कव्वा काफी ज्यादा लालची भी था। कालू कव्वे के पास एक गाय थी जो कि अभी कुछ दिनों में अपना एक छोटा सा बच्चा देने वाली थी। कालू कव्वा रोज सुबह उठकर उसी गाय का दूध निकालकर पूरे ही जंगल के पक्षियों को दूध बेचा करता था। कालू, इस बार जो ये गाय हमारे पास आई है, ये गाय तो काफी ज्यादा अच्छी है। कितना ज्यादा ज्यादा दूध देती है ये गाय। हाँ प्रिया कवि, तभी तो फिर मैं इस गाय का अच्छे से ध्यान भी रखता हूँ। देखा नहीं है तुमने, मैं इस गाय को कितने अच्छे से घास खिलाता हूँ। मैं इसको अच्छे से घास खिलाता हूँ तभी तो ये खुश होकर मुझे अच्छे से दूध देती है, और तभी ही हमारा फायदा होता है। और वैसे भी देखो ना, अभी कुछ ही दिनों में ये गाय बच्चा भी देने वाली है। फिर वो बच्चा कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा। अगर वो बड़ा होकर दूध देगा तो फिर देखो हमारा कितना मुनाफा होता रहेगा। हाँ कालू, ये तो तुम सही कह रहे हो। हम तो फिर इससे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे।
चलो प्रिया कौवी, अब तुम घर पर चली जाओ। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी आने वाले हैं यहाँ पर सुबह का दूध लेने के लिए। फिर अब प्रिया कौवी वहाँ से चली जाती है। प्रिया कौवी के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने बर्तन लेकर दूध लेने आ जाते हैं। लाइए लाइए पक्षियों, जल्दी से आप सब लोग अपने अपने बर्तन मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से आप सबको दूध दे सकूं। बस फिर कालू कौवा सभी पक्षियों से बर्तन लेकर उनके बर्तनों में दूध निकालता है। अब रोज की तरह सभी पक्षी आज कालू कौवे से दूध लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद अब जंगल में रात हो जाती है। रात को वे कालू कौवा गाय को घास खिला रहा होता है, तभी वे गाय अपना छोटा सा बच्चा दे देती है। अरे अरे वाह भाई वाह, कितना सुंदर सा बच्चा हुआ है इस गाय का। अरे ये तो लग रहा है बड़ा होकर इस गाय से भी ज्यादा दूध देगा मुझे, कितना खूबसूरत है ये। कालू कौवा खुश होकर गाय के साथ ही उसके बच्चे को बांध देता है। अब कालू कौवा अपने घर पर आकर सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा गाय के पास दूध निकालने जाता है, लेकिन वे गाय अपना दूध कालू कौवे को निकालने नहीं दे रही होती है। अरे ये गाय मुझे अपना दूध निकालने क्यों नहीं दे रही है आज, क्या हो गया इसे? अच्छा अब मैं समझा कि आखिर ये गाय ऐसी हरकतें क्यों कर रही है और मुझे दूध निकालने क्यों नहीं दे रही। ये जो इसका बच्चा हुआ है ये चाहती है कि अपना दूध ये अपने बच्चे को पिलाए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा, इस तरह से तो मेरा नुकसान हो जाएगा भाई। ये गाय तो सीधे तरीके से मुझे दूध निकालने नहीं दे रही है, एक काम करता हूँ रस्सियों से बांध कर इसको उल्टा लटका देता हूँ, फिर आराम से इसका दूध निकाल लूंगा मैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। बस फिर गुस्से में आकर अब कालू कौवा अपनी गाय को रस्सियों से उल्टा लटका देता है। चलो भाई अब सभी पक्षी आएंगे तो आराम से मैं इस गाय का दूध निकाल कर सभी पक्षियों को दे दूंगा, और इस छोटे से बच्चे को तो मैं घास ही खिलाऊंगा जिस तरह से मैं इस गाय को घास खिलाता हूँ। अगर दूध ये पीने लगा तो फिर मैं बेचूंगा क्या। बस अब थोड़ी देर बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर दूध लेने के लिए आ जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया, अपनी बेचारी गाय को उल्टा क्यों लटका रखा है तुमने इस तरह से, देखो उसको कितना दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने किसी वजह से इसको उल्टा लटकाया है, देखो तो जरा जब से इसका बच्चा हुआ है ये तो मुझे दूध निकालने ही नहीं दे रही है, ये तो चाहती है कि ये दूध अपने बच्चे को पिलाए, लेकिन मेरे को तो दूध बेचना है इसका, इसीलिए मैंने इसे उल्टा लटका दिया है। अब मैं आराम से इसका दूध निकाल कर बेचूंगा और इसके बच्चे को तो मैं घास खिलाता रहूंगा। लेकिन कालू कौवे ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसे तो अभी दूध की जरूरत है, फिर भला तुम इसको घास कैसे खिलाओगे। नहीं मीनू चिड़िया, वो सब सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा जो मुझे करना होगा, अभी तुम लोग दूध लेकर यहाँ से जाओ। ठीक है कालू कौवे, हम तो दूध लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये सब तुम अपनी लालच में आकर कर रहे हो, देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी लालच की वजह से बड़ा नुकसान होगा। बस फिर अब सभी पक्षी वहाँ से दूध लेकर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जंगल में रात हो जाती है। रात को कालू कौवा अपनी गाय को उल्टा लटका ही छोड़ देता है और उस बच्चे के आगे कुछ घास रख कर सोने चला जाता है। जंगल में अगले दिन का सूरज निकलता है। कालू कौवा अपनी गाय और उसके बच्चे को देखने के लिए आता है तो वे देखता है कि वे गाय और उसका बच्चा दोनों मर चुके होते हैं। अरे ये क्या हो गया है, इस बच्चे ने तो बिल्कुल भी घास नहीं खाई है जिसकी वजह से ये तो मर गया है, मैंने तो सोचा था कि ये बड़ा होकर मुझे दूध देगा, और इधर तो ये गाय तो मेरी लटके लटके ही मर गई है, इसको पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से मैं इसे मारना तो नहीं चाहता था, ये मर कैसे गई? ये सब मेरी ही गलती है, सब कुछ मैंने लालच में आकर ही किया है। मीनू चिड़िया कल सही कह रही थी कि मुझे मेरी लालच की वजह से कोई ना कोई बड़ा नुकसान होगा, और वही हुआ, मेरी लालच की वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा।